Hello everyone, this is Deepika. Welcome to A.D Commerce Classes. Now, today we are going to discuss some important banks and their establishment year and renamed name and some special characteristic of banks. Okay, and these are very important from your exam point of view. So, please watch the video till end. Okay. आज के वीडियो में हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. ठीक है, नंबर वन बैंक है हमारी बैंक ऑफ हिंदुस्तान. ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुई थी 1770 में कोलकाता में. ये पहली बैंक थी इंडिया में. मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म हो सकता है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है विच इज़ द फर्स्ट बैंक, है ना, विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, है ना. तो आप बताओगे कि भाई बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी. अब आपसे अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो आप बता सकते हो इजीली 1770 है. ठीक है, क्या है, 1770. ठीक, फेल्ड कब हुई थी, 1832 में फेल्ड हुई थी. ये किसके द्वारा फेल हुई थी, बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा ये फेल हुई थी. तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव ऑन करते हैं. क्या है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुई थी 21 दिसंबर 1911 में हुई थी इस्टेब्लिश, पहली इंडियन कॉमर्शियल बैंक थी जो कि होली ओन्ड या मैनेज्ड बाय इंडियंस थी, है ना. आपसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि विच बैंक इज़ होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस. तो आप बताओगे भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 21 दिसंबर 1911. ठीक है, फिर किसके द्वारा हुई थी, बाय सर सौरभ जी पोचखन वाला विद फिरोज शाह मेहता एज अ चेयरमैन. इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, तो आप बताओगे फिरोज शाह मेहता. ठीक है, किसके द्वारा हुई थी, बाय सर सौरभ जी पोचखन वाला. ठीक है, इनके द्वारा हुई थी. नाउ नेक्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका 1906 है. बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1906 है. ये क्या था, इसका कॉमर्शियल बैंक है. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बांद्रा मुंबई में है. ठीक है, फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने ओपन की थी अपनी ब्रांचेस फॉरेन में. फॉरेन में कहाँ कहाँ, लंदन में 1946 में और पेरिस में 1947 में. लंदन अगर आप याद कर लो 1946, तो वन ईयर आफ्टर वन ईयर पेरिस में 1947 में. ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया हमारी कमर्शियल बैंक है, हेडक्वार्टर बांद्रा मुंबई में है. पहली इंडियन बैंक थी जिसने अपनी ब्रांचेस फॉरेन में ओपन की थी. नाउ अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 में इस्टेब्लिश हुई थी. ज़्यादा अधिकतर ब्रांचेस इसकी अब्रॉड में. ठीक है, नाउ लास्ट वन इन दिस स्लाइड इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 नवंबर 1919 को इस्टेब्लिश हुई थी एज अ लिमिटेड कंपनी, है ना. लिमिटेड कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हुई थी. कहाँ पे, इन मुंबई. मुंबई में इस्टेब्लिश हुई थी. किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी. आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको. इसको आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं है. सीधे सीधे आपको एज इट इज़ जो भी डाटा आपका मेंशन है वो आपको रटना ही है. बिना रटे इसमें काम नहीं चलेगा. ठीक है, बिना रटे कोई भी इसमें काम नहीं चलने वाला है. नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक. अगर आपसे पूछा जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था. 19th of July 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था. फिर 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन हुआ था. वो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को हुआ था. ये एज इट इज़ डाटा आपसे उठा के पूछ लिया जाएगा कि भाई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपको ये डेट प्लस ईयर आपको याद होना चाहिए. फिर 6 बैंक और मूव ऑन, मतलब एड ऑन हुई थी, तो वो भी आपको एज इट इज़ डेटा याद होना चाहिए. ठीक है, नाउ न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी के साथ मर्ज कब हुई थी, 4 सितंबर 1993 को. पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया अलग थी,
पीएनबी अलग थी 4 सितंबर 1993 से पहले, फिर ये दोनों मर्ज हो गई थी, ठीक है। एट प्रेजेंट 90 नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। अब अगर पूछा जाए एट प्रेजेंट कितनी बैंक आपकी नेशनलाइज्ड हैं, तो आप बताओगे कि भाई 19 बैंक नेशनलाइज्ड हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इस स्लाइड में भी इतना ही था। नाउ नेक्स्ट, बैंक ऑफ कलकत्ता। अब यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट आपका बनता है ना। बैंक ऑफ कलकत्ता, 1806 में इस्टाब्लिश हुई थी, जो कि रीनेम्ड हुई थी बैंक ऑफ बंगाल, 1809 में, ठीक है। इसका नेम पड़ा बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, ठीक। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। अब आपको इसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का आपको एक साथ दिया जाएगा, जहाँ भी पूछा जाएगा बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास एक साथ पूछा जाएगा, क्योंकि इन दोनों के इस्टेब्लिशमेंट ईयर आसपास है, 40 और 43, ठीक है। और जहाँ पूछा जाएगा कलकत्ता और बंगाल एक साथ पूछा जाएगा, 1806 है कलकत्ता का और बंगाल का 1809 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो सी बी कलकत्ता और बंगाल, है ना। 1806 एक का पता है, 3 साल बाद 1809, है ना। फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कलकत्ता बंगाल का हो गया, फिर बॉम्बे बी ओ ऐसे याद कर लो, क्योंकि फिर उसमें भी बी है, और एम 1840 इसका याद है, 3 साल बाद 1843। आप ऐसे याद कर सकते हो कोई भी ट्रिक लगा करके, कोई ऐसा ये नहीं है कि जो मैंने ट्रिक यूज़ की है वही आप यूज़ करो, ठीक है। नाउ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 21 जनवरी 1921 को किसकी एडवाइस पे, जेएम किनीज प्राइवेट लिमिटेड इनकी एडवाइस पे ये इस्टाब्लिश हुई थी। फिर क्या हुआ था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, ये सबको ही पता है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये। नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक एक्टिंग एज ए सेंट्रल बैंक बिफोर आरबीआई इन 1955, मतलब इन्होंने यही बोला है भी नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक जो थी वो एक्ट करती थी सेंट्रल बैंक की तरह, किसके पहले, बिफोर आरबीआई के इस्टाब्लिशमेंट पे। फिर उसके बाद उनको रिनेम्ड किया गया और एज एसबीआई रिनेम किया गया एसबीआई के नाम से, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरीवाला कमेटी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा एडी गोरीवाला कमेटी किसके रिकमेंडेशन पे किया गया एसबीआई, है ना, रिनेम्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं। नाउ SBI इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, PSU है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, है ना। और SBI एक्ट के तहत 1955 के तहत, ठीक है, अंडर 1955। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव ऑन करते हैं, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये, हाँ, 8 बैंक अटैच्ड विद SBI इन 1959 एज एसोसिएट बैंक। भाई 8 बैंक अटैच हुई थी SBI के साथ 1959 में, बट प्रेजेंट आज के टाइम पे कोई भी बैंक एसोसिएट या मर्ज नहीं है SBI के साथ, ठीक है, ये सबको क्लियर होगा। फिर A.D COMMERCE CLASSES 1881 में इस्टाब्लिश हुई थी, जो कि फेल हुई थी 1959 में, ठीक है। और ये कहाँ पे, फैज़ाबाद यूपी में, ठीक है, फैज़ाबाद यूपी में। और फर्स्ट यहाँ पे गिस्ट लिखा है, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट बैंक थी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी मर्ज विद इंडियंस, पहली ऐसी बैंक थी जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, जो कि मर्ज हुई थी इंडिया के साथ, है ना। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद HA है, इलाहाबाद बैंक सेटअप हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1865 में यूपी में, ठीक है। इंडियाज़ ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, इंडिया की ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, हाँ, स्टिल वर्किंग, ये आज भी वर्क कर रही है। नाउ अगर हम PNB की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इस्टाब्लिश हुई थी, 1894 में इस्टाब्लिश हुई थी, कहाँ पर इस्टाब्लिश हुई थी, लाहौर में इस्टाब्लिश हुई थी, फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने इसको फाउंड किया था। फर्स्ट इंडियन बैंक थी, स्टार्टेड सोली विद इंडियन कैपिटल, पहले इंडियन बैंक थी जो सोली, मतलब पूर्णतया इंडियन कैपिटल से इस्टाब्लिश हुई थी, है ना,
शुरुआत हुई थी इसकी। नाउ ये भी स्लाइड अब हम लोगों की कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आज के लिए इतना ही, यही है आज की स्लाइड्स और आज हमने इतना पढ़ा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ही हम लोग सेटअप से पढ़ेंगे। स्टिल तब तक के लिए अभी तो हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों का उतना प्यार नहीं मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए ही मेहनत करी जा रही है, मेरा कोई इससे बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning. Thank you. Thank you for watching.